देखते हैं दिल्ली का, जहां प्रकाश जावड़ेकर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। इसको केवल 12 जिला परिषदों में सफलता मिली थी, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। जैसा मैंने कहा, 21 जिला परिषदों में से 14 जिला परिषद में भाजपा को बहुमत मिला और कांग्रेस को केवल 5 मिले। ये पहले जो ट्रेंड चलता था, ये बदल दिया कि मतदाताओं ने, अब मतदाता बीजेपी के साथ है। और कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया, डिलिमिटेशन किया लास्ट मिनट कि ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद की सीटें हमें मिले, कांग्रेस को मिले, इसके लिए डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज किया, पैसे का जोर किया, सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस की करारी हार हुई। इसमें जैसा मैंने कहा, 2.5 करोड़ वोटर में किसान, सभी किसान ही ग्रामीण इलाकों के ही थे, तो सारे किसानों ने वोट दिया है। इसका मतलब है कि किसान करोड़ों के संख्या में राजस्थान में कृषि सुधार के पक्ष में है। दिस रिजल्ट्स विंडिकेट्स बीजेपी स्टैंड ऑन फार्म रिफॉर्म्स बिकॉज फार्मर्स आर अप्रूविंग इट ऑल ओवर। तेलंगाना में अभी चुनाव हुए, हैदराबाद के चुनाव आपको याद है, 49 सीट हमें मिली, जो सत्तारूढ़ दल है टीआरएस को केवल 55 सीटें मिली, हमें 49 मिली। लेकिन बात महत्व की यह है कि वोट टीआरएस से भी हमें ज्यादा मिले, बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले। और दुबका का जो चुनाव था, उपचुनाव दुबका विधानसभा में, वो बहुत क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण था, क्योंकि चारों ओर मुख्यमंत्री का खुद का, उनके बेटी का, उनके बेटे का, उनका सबका चुनाव क्षेत्र वही था, दामाद का। तो भी ये बीच वाली सीट जो थी हमने निकाली, और हैदराबाद का वोट भी वही दर्शाता है कि तेलंगाना में भी बीजेपी को जनता पसंद करने लगी है बहुत तेजी से। अभी अरुणाचल के नतीजे आ रहे हैं, अरुणाचल में बीजेपी को भारी सफलता मिली है, 240 झेडपी के सीट में 96 सीट अनअपोज आ गए हैं, बाकी का वोटिंग होगा अभी। और ग्राम पंचायत में 8291 सीट्स वेर में से 5410 सीट्स अनअपोज्ड, बीजेपी के सामने कोई चुनाव नहीं लड़ा, और लोगों की पसंद से एकमात्र कैंडिडेट रहा, इसलिए अनअपोज चुनाव होगा। ये अरुणाचल का ट्रेंड है, और बाकी जो वोटिंग होगा उसमें भी भारी सफलता मिलेगी, यह हमें पूरा विश्वास है। राजस्थान के चुनाव की और दो विशेषता बताना चाहिए, इस बार मार्जिन बहुत ज्यादा रहा, हमारे जीत का और उनके हार का अंतर बहुत ज्यादा था। प्रदेश अध्यक्ष अपने क्षेत्र के, गृह क्षेत्र के दो पंचायत समिति पूरी हार गए। पायलट के उपमुख्यमंत्री पायलट है, उनके टोंक जिले में जिला परिषद बीजेपी ने जीती। चार बड़े मंत्री जो सरकार चलाते हैं वो भी अपने जिला परिषद को रख नहीं पाए, जिला परिषद हार गए। ये आने वाले समय का ये एक सूचिह्न है कि किस दिशा में मतदाता, साउथ हो, दक्षिण हो, पूर्वोत्तर भारत हो, सब जगह कैसे जा रहा है। तो राजस्थान की जीत अकेली जीत नहीं है, अगर देखेंगे तो बिहार की जीत, तेलंगाना की जीत, राजस्थान की जीत, अरुणाचल की जीत, और ये किस स्थिति में, कोरोना है, महामारी का प्रकोप है, और महामारी के साथ भारत ने अच्छी लड़ाई की और एक सफलता पाई है, लेकिन कोरोना का संकट, उससे उपजा पूरे दुनिया में फैला एक विश्व का आर्थिक संकट, एक माइग्रेशन जो लेबर का हुआ, बहुत बड़े संख्या में लोग वापस गए थे, अब वापस आ रहे हैं,
और विपक्ष का कृषि सुधारों पर कुप्रचार, ये सब होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सब जगह मतदाता पसंद करते हैं, क्योंकि उनको विपक्षियों की नकारात्मक राजनीति पसंद नहीं है। वो देश की तरक्की देखना चाहते हैं और तरक्की मोदी जी के नेतृत्व में होगी, ये उनको विश्वास है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कुशल संयोजन में जिस तरह से ये पूरे चुनाव का संचालन सभी जगह हुआ, चाहे तेलंगाना में हो, वहां तो भूपेंद्र जी प्रमुख थे, वहां डेरा डालकर बैठे थे, बिहार में हो वहां भी भूपेंद्र जी थे, तो आप एकदम लकी मस्कट हो एक हमारे। और राजस्थान में, वो राजस्थान के है ही, और अरुणाचल, ये अरुणाचल में भी शानदार जो सफलता मिली है, इस सबको हमें खुशी है। लेकिन